उसी का जीवन सार्थक होता है और वही समाज के लिए प्रेरणादायी बनता है। अटल जी का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए था, राष्ट्र कल्याण के लिए था और युवाओं के लिए तो उन्होंने एक नई प्रेरणा ही दी थी। अटल जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था और मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। याद रखना युवा साथियों, सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। बड़ी सोच होगी तो विराट सोच आपके व्यक्तित्व को भी एक नई विराटता प्रदान करेगी। संकुचित सोच एक संकुचित दायरे में हमें कैद करके रखती है और ये संकुचित सोच हमें न घर की रखती है न घाट की बनाती है। और इसीलिए विराट सोच के साथ खड़ा होने की एक जज्बा हमारे मन में होना चाहिए और कभी भी जीवन में हताशा और निराशा को अपने सामने नहीं पटकने देना चाहिए। इस जज्बे के साथ जब हमारा युवा साथी कार्य करेगा तो दुनिया के अंदर सब कुछ कर देगा जो अपने समय में इस देश के तमाम युवाओं ने करके दिखाया है। और मैं आज इसी आह्वान के साथ अटल जी के जन्म दिवस पर, सुशासन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अपने सभी युवाओं को अटल जी की उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए एक नए जज्बे के साथ खड़ा होने के आह्वान के साथ ही आप सबका आह्वान करने के लिए मैं और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और प्रदेश सरकार के हमारे तमाम माननीय मंत्रीगण आज इस मंच पर यहां पर आए हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के हर जनपद से युवाओं की उपस्थिति है और एक साथ प्रदेश के युवाओं को हम लोग तकनीकी दृष्टि से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए आज इस टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी युवाओं को बधाई देता हूं। मित्रों, हम लोगों ने पिछले लगभग 1.5 साल से अधिक समय को वैश्विक महामारी कोरोना को झेलते हुए देखा है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को तबाह किया, पूरी दुनिया को पस्त कर दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें कोरोना के सामने पूरी तरीके से पस्त होती हुई दिखाई दी। लेकिन भाइयों बहनों, देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन जिस तरीके से आगे बढ़ा, हम लोग इस बात को देखते थे जब प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जनधन योजना लागू की थी, हम लोगों को लगता था इस योजना का क्या लाभ होगा। लेकिन जब कोरोना कालखंड में जनधन अकाउंटधारी उन महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता था, तब लगता था प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच दूरदर्शी सोच है। मोदी जी ने 7 वर्ष पहले तय कर लिया था कि हर गरीब का खाता होना चाहिए। अगर भाइयों बहनों गरीब का खाता नहीं होता तो गरीब के पास पैसा नहीं पहुंच पाता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 5 साल पहले कर ली थी, स्टैंडअप इंडिया की शुरुआत 5 वर्ष पहले कर दी थी, डिजिटल इंडिया की शुरुआत 5 वर्ष पहले कर दी थी और उसके परिणाम भी हम सबको देखते हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है, तकनीक का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व हो सकता है, यह हम लोगों ने कोरोना कालखंड में और भी मजबूती बहुत नजदीक से देखा है। मुझे याद है जब परीक्षाएं होनी थी, बच्चों की परीक्षाएं नहीं हो रही थी, उनको ग्रेडिंग नहीं तय हो पा रही थी और बहुत सारे युवा चाहते थे कि उनको कुछ अच्छी सुविधा मिले। मैं देखता था, गांव में जाता था, बच्चों से पूछता था पढ़ाई हो रही है, वे कहते थे पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, टैबलेट नहीं है, हम अपने कैसे अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है। और तब सरकार ने तय किया हम प्रदेश के 1,01,00,000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ जुड़ेंगे, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके। और भाइयों बहनों,
आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और यहां पर हम लोग न केवल अपने छात्र छात्राओं को जो स्नातक और प्रास्नातक में अध्ययन कर रहे हैं उनको, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले और प्रदेश की कोचिंग संस्थाओं में, मुझे याद है जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था सबसे पहली चुनौती हमारे सामने आई थी कि कोटा में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उन बच्चों के लिए कैसे उनको उनके घर में सुरक्षित लाया जाए। राजस्थान सरकार तैयार नहीं थी सहयोग करने के लिए, मुझे उत्तर प्रदेश से बसेज भेजनी पड़ी थी कोटा और उन सभी 15,000 बच्चों को हम सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के कार्य किए थे। और भाइयों बहनों तब मैंने तय किया था, तब हमने अपने अधिकारियों को एक जिम्मेदारी दी थी और जिम्मेदारी ये दी थी कि अब हमारे प्रदेश के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रदेश के बाहर न जाना पड़े, इसके लिए हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और भाइयों बहनों आज 10,000 अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था जो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर एक कमिश्नरी में की है, अब हम उसके हर जनपद तक ले जा रहे हैं। ऐसे 10,000 प्रतियोगी छात्रों की तैयारी करने वाले अभ्युदय कोचिंग से जुड़े हुए युवाओं को भी स्मार्टफोन देने और टैबलेट की व्यवस्था, फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ आज हम जोड़ने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर इन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों हम सबको एक बात ध्यान में रखना होगा, और वहां जब सरकार की नीयत साफ होती है तो काम भी दमदार दिखता है। सोच ईमानदार तो काम दमदार, मेरी आवाज के साथ आप बोलेंगे सोच ईमानदार तो दोनों ओर से, इधर से आवाज आ रही है इधर से आ रही है, लेकिन ये सामने से आवाज नहीं आ रही है। सोच ईमानदार तो भाइयों बहनों ये काम दमदार का ही परिणाम है। याद करिए 2017 के पहले जो नियुक्तियां होती थी उनमें भाई भतीजावाद होता था, उसमें कुछ जगहों पर तो ऐसा होता था कोई नौकरी चलती कोई नौकरी निकली और नौकरी निकलने के बाद एक खानदान के लोग एक वंश के लोग चाचा भी भतीजा भी और मामा भी अरे सभी लोग वसूली में निकल पड़ते थे, ये सभी लोग निकल पड़ते थे। महाभारत का कोई रिश्ता नहीं छूटता था जो वसूली में नहीं निकलता हो, कहीं शकुनी मामा निकलता था, कहीं दुर्योधन भांजा निकलता था, कहीं कोई दुशासन निकलता था और कहीं पर कोई भतीजा निकल पड़ता था। लेकिन भाइयों बहनों 2017 के बाद हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के जीवन के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी जेल, प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की प्रक्रिया होगी। और भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, 10 वर्षों में 2,00,000 भर्ती नहीं हो पाई थी, हम लोगों ने मात्र अभी 5 वर्ष भी नहीं हुए हैं 4.5 लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति थी, तो परिणाम सामने आ गए। एक तरफ जो माफिया पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, सत्ता उन्हें संरक्षित करती थी, उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षण दाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन प्रदेश में निवेश बढ़ा, एक जनपद एक उत्पाद की नीति हम लोगों ने लागू की और परिणाम था 1,61,00,000 नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही उन्हें के गांव और उन्हें के जनपद में रोजगार भी उपलब्ध होता हुआ दिखाई दिया। और यही नहीं भाइयों बहनों स्वतः रोजगार के साथ विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के साथ जोड़ करके
60 लाख युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सतत रोजगार के साथ जोड़ा। आज परिणाम है, लोग बौचक हैं। जब हमारे पास आंकड़े आते हैं 2017 के पहले 15-16 तक प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 18% था, आज उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वह 4.5% है। ये दिखाता है हमारे प्रयास सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमें नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की ओर आगे कैसे बढ़ना है, ये प्रधानमंत्री जी की ईमानदार सोच को दमदारी के साथ प्रदेश के अंदर लागू करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर लागू किया गया है। भाइयों बहनों, मुझे आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना है, और वह ये कि प्रदेश की हमारी युवा शक्ति में बहुत कुछ भरा पड़ा है, आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं। और भारत का युवा, जब हम बात करते हैं दुनिया के अंदर, दुनिया में भारत सबसे युवा देश है, सर्वाधिक युवा दुनिया के अंदर भारत में है, और भारत में भी सर्वाधिक युवा हमारे उत्तर प्रदेश में है। ये 12 बजे सोकर उठने वाले युवा नहीं हैं। प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी में गुमराह करके वैक्सीन का विरोध करने वाले युवा नहीं हैं। ये सब टायर्ड हैं और रिटायर्ड हैं। इनसे उम्मीद मत करना, क्योंकि इन्होंने तो प्रदेश की जनता और प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। हमारा युवा 2017 के पहले कहीं जाता था तो कुछ जनपद तो ऐसे थे कि उनके नाम पर होटल में कमरे नहीं मिलते थे, और बाकी युवा कहीं जाता था तो ये मान लिया जाता था कि या तो ये नकल करके आया होगा या फिर यह कोई सिफारिशी होगा, इसलिए उसको प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रदेश का युवा देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है उसकी धाक किस रूप में है। मुझे याद है 2018 में हम लोग यहां पर एक कार्यक्रम कर रहे थे, इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया था। उस समय प्रदेश के दो युवा मुझे मिलने थे, एक मनीष चौहान और एक सुश्री स्वाति पांडे, और इन्होंने ने बाहर पढ़ाई की थी। और ये दोनों युवा जब मुझे मिले थे तो इन लोगों ने उस समय मुझे बताया था कि हम उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के नाम पर हमें लोग बहुत हेय दृष्टि देखते हैं। 2017 के पहले की स्थिति ऐसी थी, सरकारें ऐसी थी, लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इन दोनों युवाओं को प्रदेश सरकार ने उस समय संबल प्रदान किया, और आज ये लोग, ये दोनों प्रदेश के अंदर अपना कार्य कर रहे हैं, और ये दोनों युवा प्रदेश के अंदर इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया, 1 करोड़ रुपए हर माह कमा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के यही युवा अपनी प्रतिभा का लोहा उत्तर प्रदेश के अंदर मना रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लखनऊ से सुन रहे थे, परिवारवाद पर भी निशाना साधा, इसके अलावा तमाम बातें कहीं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद माहौल बदल गया है। सीधा रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, लुधियाना ब्लास्ट केस में पंजाब के डीजीपी ने कई अहम खुलासे किए हैं कि आतंकवाद और ड्रग्स हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और 24 घंटे में ही हमने इस मामले को सुलझाया है। खालिस्तान के संपर्क में था आरोपी गगनदीप, और वो जेल में था, जेल से आने के बाद उसके संपर्क भी बब्बल खालसा ग्रुप से थे। इस बात को डीजीपी ने आज बताया मीडिया के सामने आके। पूजा,
डीजीपी ने कहा कि ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान और खालिस्तान का हाथ होने का शक भी है। डीजीपी ने यह भी कहा कि ये एक बड़ी साजिश थी। पंजाब पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, लुधियाना ब्लास्ट केस में पंजाब के डीजीपी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। डीजीपी ने कहा कि ब्लास्ट वाली जगह से कई अहम सबूत बरामद किए गए हैं। जड़ा लगता है क्योंकि इसकी तारीख आने वाली सी, ये पुलिस से भी टेक्निकली बड़ा साउंड सी, जड़ा इसने काम काज करता सी, he was very good in computers and technical material. जड़ा लगता है मौके ते उतार जोड़न गया सी, ताई बाथरूम से एंटर करके लेके उन्हें किथे प्लेस करना सी, it was not the concept of a human bomb. जड़ा लगता है use the washroom to assemble, जड़े initial investigations are suggesting, उत्थे वो कल लाई सी, उत्थे होर कोई नहीं सी उदे नाल. Definitely, he was in touch with other elements of narco terror in Punjab, in the jails, and abroad. साडे कोल कुछ लाइन आई जिहड़ी मैं दस नहीं सकता हाल दी घड़ी, पर जिहड़ी तुसीं गल कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वड्डी साजिश है। इलैक्शन तो पहला पूरी कोशिश होएगी इस चीज़ रोकी जाए। जिहड़ा सबूत मिलिया सानू लुधियाने जिहड़ा कोर्ट कॉम्प्लैक्स च ब्लास्ट होया है, but I'm proud to say that the Punjab police team with each element, officers, the local police, the forensic science team, with the support from the center, sade internal intelligence units, they have done an excellent job. And within 24 hours, 24 ghante de vich unravel kita inu. The Ludhiana blast was a very powerful blast. We were all wondering कि की गल है कि क्यों उत्थे जाके इन्ना पावरफुल ब्लास्ट, what is the reason behind it? The main thing it turned out finally, मौके पे सानू काफी उत्थे leads मिले ने। I suppose you would have seen that we found some tattered clothes, garments, a SIM card, mobile phone, and the tattoo on the arm of the deceased. ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਨਯ ਸਾਡੇ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਡ ਹੈ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕੈਰਿੰਗ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ, ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੈਸ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਪਿਕਚਰ ਵਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਪਨ। तो डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को आप सुन रहे थे। इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस ने 24 घंटे में मामले को सुलझा लिया है। जो आरोपी था उसने जो है यहाँ पे ब्लास्ट किया, और असेंबल करने के दौरान जब वॉशरूम गया था उस वक्त जो बम था उसको असेंबल करने के दौरान ही धमाका हो गया था। हालांकि अभी आगे जांच की जा रही है, और उन्होंने अपनी टीम की भी तारीफ की, कहा कि पंजाब पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस मामले को सुलझा लिया है, और कहें कि हर एंगल से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। बब्बर खालसा जो गिरोह पाकिस्तान के कनेक्शन पर भी इस मामले पर भी जांच की जा रही है। और यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी साहब ने पंजाब के युवाओं से भी अपील की है कि पंजाब का जो नाम जब आता है तो उसमें यहाँ से खिलाड़ी निकलते हैं, पहलवान निकलते हैं, लेकिन अब ये जो ड्रग्स है, जो आतंकवाद है, हमारे लिए काफ़ी परेशान करने वाला है। ऐसे में जनता की सहयोग की उन्होंने अपील की है कि आप लोग सहयोग करेंगे तो हम ऐसे हालात से निपट सकते हैं। और इस पूरे मामले में अब ये खुलासा हुआ है कि जो आतंकवादी था उसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कनेक्शन है, खालिस्तान के संपर्क में था आरोपी गगनदीप। दरअसल ये पहले पुलिस कांस्टेबल था, और वहाँ पर ये ड्रग्स माफियाओं के संपर्क में आया, और उस दौरान चरस की स्मगलिंग में उसको गिरफ्तार किया गया था, फिर उसको बर्खास्त कर दिया गया और 2 साल तक ये जेल में था।
कहां है, कहां छुपा हुआ है। और जो बात सामने आई है कि खालिस्तान के संपर्क में था गगनदीप, चूंकि जब वो जेल में था तो जेल के अंदर भी कई ऐसे लोगों से उसके संपर्क हुए, और उसके बाद जेल से जब वो सितंबर में बाहर आया उसके कुछ ही दिन बाद यानी 2 महीने बाद दिसंबर में उसने यह धमाका कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से उसको और लोगों का साथ मिला। बिल्कुल तो मारे गए। खालिस्तानी लिंक, नार्को टेररिज्म, इट्स अ वेरी पीपल टर्न्ड फ्रॉम माफिया टू टेरर टू खालिस्तान एंड लिंक्ड विद ड्रग्स, इट इज पूरा शक है सानू, पूरा शक है। मैं कंक्लूसिवली नहीं कह सकता पर पूरा शक है, क्योंकि जड़ी लीड्स है ड्रग्स बारे, एक्सप्लोसिव बारे, कंक्लूसिवली मैं उदों दसांगा, क्योंकि जी टाई जी लाइनअप दिस रही है वह शख्स पाकिस्तान च ही साढ़े इनफॉरमेशन मुताबिक पाकिस्तान तो ही ऑपरेट कर रहा। तो करें एक और बड़ी खबर का, जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। चौगाम इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। दोनों आतंकी लश्कर के बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया है। तो सुबह से इनकाउंटर चल रहा था वहां पे शोपियां में, और सेना को जानकारी मिली थी कि दो आतंकी छुपे हुए हैं, और ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता ज्योति एजाज। शुपिया में रात से चले आ रहे एनकाउंटर में 2 लश्कर के मिलिटेंट जो है मारे जा चुके हैं, जिसकी पुष्टि सेना और पुलिस यहां पे कर चुकी है। आपको बता दें कि चौगाम इलाके में एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, जो कि एक रेजिडेंशियल एरिया में चलाया गया, और उस रेजिडेंशियल एरिया में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए बैठे थे, जिनको फिर बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक सरेंडर अपील भी की थी, लेकिन उन्होंने वो सरेंडर अपील जो है ठुकरा दी। बाद में जो वो मारे जा चुके, जिसमें जिनकी शिनाख्त जो है सजाद अहमद चक जो कि शोपियां डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और राजा बासित जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। सजाद के मुतलिक आपको बता दें कि सजाद कुछ पिछले कई सालों से जो है लश्कर मिलिटेंट के सफों में शामिल था, और कई सारी ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में भी जो है उसकी जो है खबरें जो है सामने आ रही है। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले ही आरवनी इलाके में भी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ मिलिटेंट जो है वहां पे छुपे बैठे हैं, जिनको यकीनन जो है ऐसे ही सरेंडर अपील की गई, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी। बाद में जो है वहां पे एक लश्कर का मिलिटेंट मारा गया, और इस एनकाउंटर के साथ साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी का नाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि जो है इस साल 165 के करीब जो है मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जिनमें पाकिस्तानी टॉप कमांडर्स से लेके जो कश्मीर के टॉप कमांडर्स हिजबुल मुजाहिदीन हो या जैश मोहम्मद हो या लश्कर ए तैयबा हो, इन जो है मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के टॉप कमांडर जो है मारे जा चुके हैं। वही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ये दावा कर रही है कि कश्मीर में जो है ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ये सब कुछ हो रहा है, और जो है आने वाले दिनों में भी ये तय होना बाकी है कि कितने सारे ऑपरेशन जो है वो छेड़े जाएंगे और कितने सारे मिलिटेंटों को मार गिराया जाएगा।